बॉलीवुड की वो 5 एक्शन फिल्में जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों का ट्रेंड ही बदल दिया। बॉलीवुड की वो 5 एक्शन ब्लॉकबस्टर्स जिन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स की इमेज को भी बदला। दोस्तों आपका स्वागत है बॉलीग्राद के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम आपको उन 5 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की बढ़िया एक्शन फिल्मों में गिना जाता है और ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। जब भी कभी इन फिल्मों को आज भी टेलीविजन पर दिखाया जाता है तो लोग आज भी इन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। साल 1991 में संदेश कोहली के डायरेक्शन में आई फिल्म फूल और कांटे एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने बॉलीवुड को एक सुपरस्टार एक्टर दिया था जिसका नाम था अजय देवगन। अजय देवगन बॉलीवुड के वो सुपरस्टार हैं जो साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं और ये सभी फिल्में करोड़ों का बिजनेस करती हैं। फूल और कांटे अजय देवगन की डेब्यू फिल्म थी जिसका दमदार एक्शन लोगों को काफी पसंद आया। फिल्म में अजय देवगन के उस सिग्नेचर सीन को कौन भुला सकता है जिसमें वो 2 बाइक्स पर स्टंट करते हुए एंट्री करते हैं और अपनी कई फिल्मों में वो अपना यही सिग्नेचर सीन दिखाते ही रहते हैं। फिर चाहे उनकी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म गोलमाल में 2 कारों पर दिखाया गया सीन हो या फिर सन ऑफ सरदार जैसी एक्शन फिल्म में 2 घोड़ों पर किया गया स्टंट लोगों को देखने को मिल जाता है। फिल्म एक एक्शन क्राइम फिल्म थी। आपको बता दें कि अजय देवगन कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे बल्कि वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उनके पिता वीरू देवगन बॉलीवुड के मशहूर स्टंट डायरेक्टर थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर संदेश कोहली अजय देवगन को ही फिल्म में एक हीरो के तौर पर लेना चाहते थे। अजय देवगन ने फिल्म करने के लिए उनके सामने एक शर्त रखी थी, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं कभी भी किसी के पास कोई और फिल्म मांगने के लिए अपना पोर्टफोलियो लेकर नहीं जाऊंगा। फूल और कांटे फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म में अजय देवगन के अलावा मधु, अमरीश पुरी, राजा मुराद, आरिफ खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म का बजट 3 करोड़ था जबकि फिल्म ने 12 करोड़ का बिजनेस किया था। अजय देवगन बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर माने जाते हैं जो एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, बायोपिक हर तरह के जॉनर की फिल्में करते हैं और अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। साल 1992 में अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में आई फिल्म खिलाड़ी भी एक ऐसी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्मों को बढ़ावा देने में एक अलग भूमिका निभाई थी। अब्बास मस्तान अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड को एक एक्शन हीरो दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार थे। ये वही फिल्म थी जिसके बाद अक्षय कुमार को बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से पहचान मिली। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, साबिया, जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स नजर आए थे। खिलाड़ी फिल्म ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म रही थी। इसके बाद अक्षय कुमार ने मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ी 786 जैसी कई एक्शन फिल्में की जो ब्लॉकबस्टर रही थी। अक्षय कुमार को उस वक्त एक्शन हीरो के नाम से पहचाना जाने लगा, लेकिन उन्होंने वेलकम, खट्टा मीठा, मुझसे शादी करोगी, नमस्ते लंदन जैसी कॉमेडी फिल्मों और पैडमैन, टॉयलेट, गोल्ड जैसी फिल्में देकर खुद को एक्शन हीरो की इमेज से बाहर निकालकर हर तरह की फिल्मों के लिए एक हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश किया। यही वजह है कि अक्षय कुमार अपनी हर फिल्म में अलग तरह की फिल्म और किरदार करते हैं जिन्होंने उन्हें आज बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया है। अक्षय कुमार साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं और सारी फिल्में करोड़ों का बिजनेस करती हैं। बॉलीवुड में जब भी एक्शन फिल्मों का नाम लिया जाएगा तो बॉलीवुड के एक्शन किंग कहे जाने वाले सनी देओल का नाम सबसे ऊपर आएगा क्योंकि उनका नाम लेते ही दिमाग में जबरदस्त एक्शन घूमने लगता है। सनी देओल ने वैसे तो अपनी हर फिल्म में दमदार एक्शन दिखाया है, लेकिन साल 1996 में राज कंवर के डायरेक्शन में आई फिल्म जीत एक ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक्शन लोगों को काफी पसंद आया था। फिल्म में सनी देओल के अलावा सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। सनी देओल वैसे तो अपनी हर फिल्म में एक्शन करते हुए जबरदस्त गुस्से में ही दिखाई देते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो गुस्से के साथ साथ एक पागल आशिक के किरदार में भी नजर आए थे। फिल्म के दमदार एक्शन ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया था जिसे आज भी याद किया जाता है। सनी देओल के एक्शन फिल्मों की बात करें तो उन्होंने घातक, गदर, जिद्दी, नरसिम्हा, घायल जैसी कई एक्शन फिल्में की हैं, लेकिन जीत की बात ही कुछ अलग है। फिल्म का बजट 5 करोड़ था जबकि फिल्म ने
29 करोड़ का बिजनेस किया था। साल 1998 में विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में आई फिल्म गुलाम एक ऐसी ही फिल्म थी जिस फिल्म के एक्शन ने लोगों को काफी एंटरटेन किया था। फिल्म में आमिर खान और रानी मुखर्जी ने लीड रोल प्ले किया था। आमिर खान ने इस फिल्म से पहले हम हैं राही प्यार के, दिल है कि मानता नहीं, अंदाज अपना अपना, कयामत से कयामत तक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। इन फिल्मों में निभाए गए किरदारों की वजह से वो एक चॉकलेट हीरो के तौर पर पहचाने जाने लगे थे, लेकिन गुलाम फिल्म में एक टपोरी लड़के का कैरेक्टर प्ले करके जिस तरह का एक्शन इस फिल्म में आमिर खान ने दिखाया, सब उनके दीवाने हो गए थे। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी और फिल्म का म्यूजिक भी ब्लॉकबस्टर रहा था। फिल्म का गाना आदि क्या खंडाला काफी हिट हुआ था। फिल्म में दिखाया गया एक एक्शन सीन काफी रियल लगा था, जिस वजह से फिल्म को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में एक सीन में आमिर खान सच में एक चलती ट्रेन के आगे कूद गए थे, जिस सीन को देखकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। और ये सीन उन्होंने बिना किसी स्टंटमैन का सहारा लिए बिना खुद किया था, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म में किस तरह का एक्शन होगा, क्योंकि आमिर खान को इसी वजह से मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पहचाना जाता है। गुलाम फिल्म का बजट 7 करोड़ था, जबकि फिल्म ने 24 करोड़ का बिजनेस किया। इसी कड़ी में आखिरी और पांचवा नाम आता है साल 2009 में प्रभु देवा के डायरेक्शन में आई फिल्म वांटेड का। ये फिल्म भी दमदार एक्शन फिल्मों में गिनी जाती है, क्योंकि इस फिल्म में दिखाए गए एक्शन के बाद से ही बॉलीवुड फिल्मों में रियल एक्शन का दौर शुरू हुआ था। वांटेड फिल्म साल 2007 में आई तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म पोकरी का रीमेक थी, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी। सलमान खान इससे पहले कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, बीबी नंबर वन जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे, लेकिन उसके बाद उनका फिल्मी कैरियर फ्लॉप की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन वांटेड फिल्म ने उनके बॉलीवुड कैरियर को एक नई ऊंचाई दी और उनके दमदार एक्शन और बढ़िया एक्टिंग की वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। वांटेड फिल्म का बजट 50 करोड़ था, जबकि फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। बॉलीवुड की इन 5 फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में एक्शन फिल्म के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स की इमेज को भी बदल दिया था। बॉलीवुड की ऐसी ही टॉप 5 फिल्मों की और जानकारी के लिए आप देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।